सीकर जिला मुख्यालय पर कोरोना काल के चलते दो साल बाद निकली तीज की सवारी में उस समय रंग में भंग पड़ गया जब एक आवारा सांड हजारों लोगों की भीड़ में घुस गया। आवारा सांड के हजारों लोगों की भीड़ में घुसने के कारण कई लोग इस आवारा सांड की चपेट में आ गए और चोटिल हो गए। आवारा सांड के कारण पूरी तीज की सवारी में अफरा तफरी मच गई। कोरोना के बाद आयोजित हो रहे इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस दौरान अचानक एक आवारा सांड भागता हुआ आया और लोगों की भीड़ में घुस गया और लोगों को रौंदते हुए निकल गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। बाद में सभी घायलों को सीकर के कल्याण अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह घटनाक्रम हो रहा था उसी समय सभापति जीवन खान मंच पर विराजमान थी। इस घटनाक्रम से नगर परिषद कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई है कि किस तरह इतने बड़े आयोजन में आवारा पशुओं को रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और हजारों लोगों की भीड़ में आवारा सांड घुस गया। गौरतलब है कि सीकर जिला मुख्यालय पर आवारा पशुओं की समस्या बहुत पुरानी है और स्थानीय निवासी कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन से आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है, जिसके चलते आवारा पशुओं के हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इन आवारा पशुओं के हमले में घायल हो चुके हैं। भाई कोई अंदरूनी चोट आई है क्या? क्या डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये बताया, बोले कहीं कैसे है तो इसको ले जाओ, नहीं तो क्या बाहर निकालो और भी पेशेंट आएगा, ऐसे बोला। और बाकी नहीं तो 3 दिन तक भर्ती करवाना पड़ेगा। तो फ्रैक्चर तो नहीं है? फ्रैक्चर तो नहीं बता रहे हैं, फिर भी मैं उस डीएलए के पास लेकर जा रहा हूँ। वो जो नहीं है वो ढाका हॉस्पिटल सांड की चपेट में कैसे है? जी वो ये खड़ा था मेले के अंदर, वो एकदम से आकर अचानक ही इसके दिल्ली से पीड़ जाए, चार दिन फुल इतना दूर जाकर उछल कर पड़ा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अफजल खान की रिपोर्ट।